आबिद का जो बैंक का प्रॉब्लम हो गया था, क्या प्रॉब्लम हुआ था अलराजी बैंक में? आबिद यूज नहीं कर रहा है कार्ड, फिर भी डेली मैसेज आ रहा है डॉलर से पैसा यूज हो रहा है, डॉलर से कट हो रहा पैसा। क्या ये खलदुन स्कूल हो गया, पार्किंग नहीं मिलता, वो उधर पे माइक रहता, माइक में जाके अभी बुलाना पड़ता। वैसे देखो ले लिया कंकड़ी, लिया कंकड़ी और नींबू लेमन और ये सब लोग बैंक में। देखो इधर पे किसी को एटीएम चाहिए तो ब्रांच में जाके अप्लाई करके लेने की जरूरत नहीं है, इधर आके बस हमारा अकाउंट नंबर मार के अप्लाई कर। दिन लोग देखो गाइस गाड़ी कैसे लगा के जाते हैं, टायर ज़मीन पे ही नहीं है, समझो देख लो ज़मीन पे नहीं है टायर। हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस जो कोई भी मेरे लिए सपोर्ट किया इंशाल्लाह उसके लिए दिल से शुक्रिया। और नया वॉच कर रहा आपके स्क्रीन पर जो आ रहा रब ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो सवेरे सवेरे आज मॉर्निंग 6:30 में हो गई, तो चलो मदरसे से चालू करेंगे कपिल के घर के पास से, ठीक है कपिल के घर के पास जा रहा हूँ, ठीक है जाके वहाँ से हम लोगों को मिलता हूँ, ठीक है। इसके बाद में आज कंटिन्यू करेंगे व्लॉग, फैमिली व्लॉग, जो कैसे इधर ड्राइविंग में क्या क्या काम करते हैं सब कुछ आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है चलो देखते रहो। गाइस आबिद उन आ गए कपिल के घर के पास, हमारा आबिद देखो मदरसा जाना वो भी तैयार हो, गाड़ी चालू रख के। एक तो ठंडी, हाँ उसमें गाड़ी अलग एसी अलग, तुम्हारे को एसी का भला है, चालू रखे ना गाड़ी, गाड़ी तो गर्म है। चलो आओ जल्दी जा रहे, गाड़ी रुका के आओ, ठंडी में अच्छा दिखता, नाश्ता कर लो जाएंगे जल्दी आओ जाके। गए सभी लोगों को जो है मदरसा लेके जाके छोड़ना, सब लोगों को छोड़ के आप लोगों को मिलता हूँ, ठीक है। आ गया मैं कपिल के घर के पास, अभी तुम कितने बजे आते हो मदरसा छोड़ के? कितना मदरसा है तुम्हारे को? एक ही चक है आबिद को, एक ही चक मदरसा है, मेरे को चार चार है भाई, चार चार मदरसा तो भाई मदरसा में ऑफिस है, ऑफिस है एक, ऑफिस है एक, मदरसा है मेरे को, दो ऑफिस है, दो ऑफिस है, दो ऑफिस है एक मदरसा, नहीं मेरा आगे चार मदरसा है, एक ऑफिस एक मदरसा एक ऑफिस तीन चार, 12 बजे नहीं मिलता मैं, 12 बजे तक अभी गए तो। हाँ अभी जिम को जाते हैं, जिम को भी जाता आदमी, जामा नहीं गई तो जाएंगे कहाँ पे, जा क्या हो बात देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस आ गए, एक बच्चा को उतार दिया मैं अभी, यानी कफील के दो लड़के हैं, दो लड़के में से एक ही लड़के को मदरसा छोड़ा, क्योंकि अब एक लड़का नहीं जा रहा था, बुखार आ गई। ये पहले हफ्ते में, एक हफ्ते में बस 4 दिन मदरसा जाते, वो 4 दिन में भी और 2 दिन छुट्टी, इनका मजा है। एक साल में 365 डेज है ना, 365 डेज में ये लोग मुमकिन तकरीबन 100 दिन या 150 दिन जाते, बस 150 दिन या 100 दिन ही जाते, बाकी का पूरा छुट्टी से रहता है इन लोगों को। और वैसे अभी देखो क्या हो गया, कफिल के लड़के से पूछ ले गया, क्या रहे ठंडे क्या तेरे को, अगर पूछा तो 9 डिग्री है भाई, हाथ को ग्लव्स डाल लिया पूरा पैकअप करके आया, वो 9 डिग्री है, 9 डिग्री बहुत ठंडी है, अब इसके बाद और कम हो जाएगा, इसके बाद शबनम और नीचे तक आ जाएगी करके बोल रहा। अच्छा अभी क्या करना रहे करके बोले तो, वो गर्म का ये है ना वो हीटर डाल लिया, इधर पे हीटर यूज करते लोग, मैं भी जो है अभी रूम पे हीटर चालू करना पड़ेगा, हीटर उठाना पड़ेगा, हीटर रख के हूँ उसको, हीटर उठा के वो मैं भी यूज करना पड़ेगा। अभी तो वो एक लड़की जाती मदरसा, उसके बाद में कॉलेज वाले का पता नहीं जाना है या नहीं है, उन लोगों का भरोसा नहीं, कॉलेज वालों का तो भरोसा ही नहीं, उनका चाइना का हिसाब होता, गए तो आधा घंटा या 15 मिनट ही जाते, बाकी का पूरा ऑनलाइन ही रहता है इन लोगों का। क्या सऊदी अरब का पढ़ाई कुछ नहीं समझ में आता, एजुकेशन ही चीज नहीं है समझ में, एजुकेशन में कुछ भी फायदा नहीं है इधर। अभी हम लोग जाएंगे फिर वापस से उसको लेने के लिए, ठीक है चलो। अबर देखो गाइस बादल कैसा हो गया इधर का, ठंडी में उसकी माँ क्या कहा, और थोड़े दिन जाने दो, थोड़े दिन बोले तो बस एक हफ्ता, अभी 9 डिग्री में आ गया, और ठंडी होती, और ठंडी हुई तो क्या होता, कुछ रोड ही नजर नहीं आता, पूरा शबनम नीचे आया था ना, बादल पूरा नीचे आता, दिखता ही नहीं कुछ भी, ऐसा सिस्टम जब भी आप लोगों को कवर करके बताता हूँ, रोड ही नजर नहीं आता ऐसा सिस्टम रहता। और अभी तो फिलहाल आभा में बर्फ गिर रही, इधर सऊदी अरब में एक ये है अभा करके, जिद्दा दम्माम ताइफ ऐसा, ये छोटा छोटा एरिया है यानी स्टेट के जैसा हो गया। तो अभा में अभी कल हमारा एक दोस्त रहता अभा में मुर्दागढ़, उधर ही है ना बर्फ गिर रही है, उधर रोड ही नहीं दिख रहा, इतनी ठंडी है, गर्म दो दो तीन तीन बनियन पहन गए वो, यानी स्वेटर पहन के दो दो तीन तीन, और चल रहे ये लोग जो सवेरे सवेरे जाते नहीं, दिमाग खराब करते,
इतना तो अच्छा गाड़ी ताऊ ले लेंगे, गाड़ी चलाना आता नहीं इन लोगों को, फिलिपिन वाला चला रहा लगा कोई। सवेरे सवेरे क्या है, जल्दी जल्दी में रहते ना लोग, इसीलिए जल्दी जाना पड़ता है क्योंकि मदुरेश का टाइम हो जाता नहीं तो। वॉकिंग अलग कर रहे हैं इधर पे, हेलो वॉकिंग, वॉकिंग भी कैसे कर रहे हैं आप लोगों को बताना था, स्लो करके बुरखे के साथ साथ तो कोट अलग ऊपर इधर। चलो बस मैं मिलता हूँ थोड़ा कफील के घर के पास अभी, ठीक है। बस चलो आ गए हम लोग कफील के घर के पास, आबिद के कफील का घर हो गया हमारे, आबिद के यू टर्न करके रुकाएंगे, ठीक है। देखो बस मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। बस अल्हम्दुलिल्लाह घर गया कफील के, तो एकदम दोनों लड़कियां निकल गई, स्कूल जो जाती है और कॉलेज को जो जाती है, स्कूल को ड्रॉप करके सीधा कॉलेज पे आया, उसको ड्रॉप कर दिया, अभी फिर वापस से रूम पे जा रहा हूँ मैं। रूम पे जाके थोड़ा बहुत रिलैक्स करना पड़ेगा, क्यों बोले तो शबनम बहुत है, यानी बहुत अभी भी ठंडी है, 8 बज रहा बहुत ठंडी है सऊदी में, तो अभी क्या करेंगे, जाके थोड़ा बहुत रिलैक्स करेंगे उसके बाद में जाएंगे उठ के, ठीक है। तो चलो भाई अभी मैं हूँ फिलहाल रियाद पार्क के पास, यानी दहरी में रियाद पार्क के अपोजिट में हूँ, ठीक है। इधर देखो सवेरे सवेरे जाम, देखो गाइस जाम सवेरे सवेरे इतना जाम पड़ा, इतना जाम है, पूरा रोड जाम है, कार कार में क्या है, और पुलिस इतनी पुलिस रहने के बावजूद भी क्या है, ये है समझो जाम। देखो पुलिस की गाड़ी ये भी, और यहाँ पे भी देखो आड़ा डाल दिया गाड़ी, एक 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 करके छोड़ रहा, देखो पुलिस वो भी आड़ा डाल दिया, तो ऐसा करने के बावजूद भी ट्रैफिक बढ़ते जा रही है, आगे ट्रैफिक दो किसी, इतनी खराब है ट्रैफिक, बाप रे बाप, बहुत बहुत जाम है। सवेरे सवेरे तो डेयरी में पूरा टोटल पूरा जाम रहता, और आगे कहता और जाम है, क्योंकि सब लोग बाहर निकल जाते ना, सब लोग कोई ड्यूटी के लिए जा रहा, कोई मदरसे के लिए जा रहा, तो इस वजह से जो है सवेरे सवेरे पूरा जाम रहता, सवेरे और दोपहर में और रात में, ये 3 टाइम आके सऊदी अरब में पूरा जाम रहता। और इधर से अगर राइट गए तो है ना मलिक फात को चल जाएगा, हमारे को जाना नहीं है मलिक फात को, अभी जाएंगे सीधा, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अब्दुल अजीज रोड में, ठीक है, थोड़ा आगे मिलता हूँ। देखते रहो आपके स्क्रीन पर जो आ रहा अरब ब्लॉग्स चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर करना, एक लाइक किया तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है, इस वजह से एक जरूर लाइक करना, और बेल आइकन को दबा के रखो, क्योंकि आप लोगों को जब भी मेरी वीडियो आती है आप लोगों को पहले मिल जाती वीडियो, ठीक है। और गाइस इंस्टाग्राम मेरा आ रहा होगा हैंडल इंस्टाग्राम का, ठीक है, उसको भी फॉलो कर लो अरब ब्लॉग्स ऑफिशियल को। तो चलो मैं आ गया अभी इतने सामने तक आ गया हूँ, ठीक है। इधर भी देखो पुलिस वाला खड़ा है। गाइस मैं आ गया अब्दुल अजीज में अभी, तो अभी जा रहा हूँ मैं रूम पे, रूम पे जाके थोड़ा बहुत रिलैक्स करेंगे, उसके बाद में ड्यूटी जाता हूँ, आप लोगों को अपडेट करूँगा, ठीक है। तो देखते रहो मेरे चैनल को गाइस, आ गया मैं रूम के पास में, ठीक है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, अल्लाह हाफिज़। गाइस हम जो है आया था नाश्ता करने के लिए, अभी मदरसे का टाइम हो जाएगा, मदरसे के लिए जाना, इसीलिए पहले नाश्ता कर लेंगे, निकलेंगे घर के, नाश्ते के लिए आया तो होटल पर हूँ, देखो होटल पे ऑर्डर किया हूँ परोठा, और क्या पता नहीं चना बोल के हूँ, क्या देता देखेंगे, ठीक है, आप लोगों को बताऊँगा। नाश्ता कर लेंगे सीधा अभी मदरसे जाएंगे। गाइस अभी नाश्ता करके जो है आ गए, नाश्ता मटन कड़ी और रोटी खा लिया आज, दबा के सख्त नाश्ता किया आज, थोड़ा भूख नहीं लगना इसलिए। तो अभी मदरसा देखो आके पार्किंग में डाल दिया, आधा घंटा बाकी है, जब तक थोड़ा बहुत रिलैक्स करता हूँ रूम में जाके, बाद में आएंगे, ठीक है, चलो देखते रहो। गाइस मदरसा का टाइम हो गया, यानी 12-15 मिनट बाकी है मदरसा, तो मैडम फ़ोन करके कुछ सामान मंगाई, समझो 15 मिनट रहने के बावजूद भी सामान मंगाई, लेट हुआ था हमारे को, क्या चिल्लाते अलग उल्टी ज़बरदस्ती है। चलो मैं बताता हूँ क्या ले रहा हूँ करके, ठीक है, क्या मंगाई सामान आप लोगों को बताता हूँ। वैसे देखो ले लिया कंकड़ी, लिया कंकड़ी और नींबू लेमन, और ये खस बोलते हैं इसको खस, ठीक है। चलो बिल कितना होता देखेंगे, इधर देख लो इस साइड पूरा है सेक्शन, इसमें कुछ बन रहा, चलो बिल देखेंगे। गैस ले लिए, ले लेके जो है अभी फिलहाल सामान तो खरीद लिया, अब इसको लेके जाके देना पड़ेगा, इसको उतारने के बाद जल्दी फास्ट में मदरसा भी जाना पड़ेगा। देखो अभी सामान पूरा खरीद लिया,
लेके जाके देना भी पड़ेगा, धूप से आंख का लग गया और डायरेक्ट। ठीक है चलो इसको देख के मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों को, मदरसा लेके जाके घर में उतारने के बाद मिलता हूँ। गाइस चलो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हम लोग, अभी मैं जा रहा हूँ, मैंने लड़की को लेके आके ड्रॉप कर दिया, अभी जा रहा हूँ खल्दून स्कूल के लिए। तो बच्चे को ताला मॉल के पास से पीछे लेना पड़ेगा ना, उसके स्कूल के पास आ गया, इसको लेके जाके ड्रॉप करने के बाद फिर वापस से ड्यूटी। तकरीबन 4 बजे तक ड्यूटी नहीं रहेगी, 4 बजे के बाद कभी भी भरोसा नहीं है ड्यूटी आ सकती, थोड़ा बहुत धूप चालू होगी, ठंडी है ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। ठीक है चलो देखते रहो इसके बाद कहाँ पर जाना देखेंगे गाइस। ठीक है तो आप लोगों को अपडेट करते रहूँगा इंशाल्लाह। जो कोई भी जॉब्स के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करो, नीचे व्हाट्सएप नंबर रहेगा, जो कोई इंटरेस्टेड है सऊदी अरब के लिए वीज़े के लिए अवेलेबल है, रिटर्न ड्राइवर के लिए है तो पहले मैसेज करो, फ्रेश के लिए भी मैसेज करो, दूसरा कोई इंक्वायरी है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, इसका जवाब आप लोगों को मैं देता हूँ। ठीक है अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। तो मैं आगे अभी फिलहाल खल्दून स्कूल के पास दिखाता हूँ, देखो ये देखो गाइस ये खल्दून स्कूल हो गया, पार्किंग नहीं मिलता, वो उधर पे माइक रहता, माइक में जाके अभी बुलाना पड़ता, तो जाएंगे चलो थोड़ा टाइम रुकेंगे इधर, जब भी डोर ओपन हो जाएगा उधर जाके माइक में बुलाएंगे। ठीक है आप लोगों को बताता हूँ। गैस आ गए अभी फिलहाल, इसे गए थे समझो मदरसे से लेके आके उतार दिया। आबिद का जो बैंक का प्रॉब्लम हो गया था, क्या प्रॉब्लम हुआ था, अलराजी बैंक में आबिद यूज नहीं कर रहा है कार्ड, फिर भी डेली मैसेज आ रहा, डॉलर से पैसा यूज हो रहा, डॉलर से कट हो रहा पैसा, क्या बे कितना आ रहा डेली मैसेजेस तुम्हारा, बैगन 50 डॉलर 100 डॉलर मजा, बाप रे बाप, वो भी डॉलर में काट रहा पैसा, वो ऐसा हिसाब से काट रहा है, इसीलिए क्या करे अभी मैं कस्टमर केयर को कॉल करके बंदिश कर दिया कार्ड को, ब्लॉक करके अभी जा रहे नया कार्ड लेने के लिए एटीएम मशीन में। कैसे आप लोगों को ये भी प्रोसीजर देख लो, ठीक है सऊदी अरब में अल राजी का कार्ड कैसे निकालना देखेंगे जाके। ठीक है चलो देखते रहो। आ गए गाइस हम लोग बैंक में, देखो इधर पे किसी को एटीएम चाहिए तो ब्रांच में जाके अप्लाई करके लेने की ज़रूरत नहीं है, इधर आके बस हमारा अकाउंट नंबर मार के अप्लाई करना पड़ता, इमीडिएट एटीएम मिलता, वो पैसा चार्जेस है करके बताई कस्टमर केयर में। आबिद को देखेंगे क्या होता, मारो आबिद, मादा कार्ड है कंटिन्यू, हाँ थैंक यू फॉर यूजिंग प्लीज़ एंटर, ओटीपी आता, ओटीपी मारने के बाद जो है कन्फर्म दो, इसके बाद इन ऑर्डर आ गया। ये कौन सा आया फिर, ये खत्म हो गया सी कहानी। अभी देखो ऑर्डर मिल, हमारा कार्ड प्रिंट हो रहा, प्रिंट हो गया, योर कार्ड इज बीइंग प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट प्रिंटिंग, थैंक यू फॉर यूजिंग अलराजी सेल्फ सर्विस। ये देखो अब मशीन इधर का ऐसा है माशाल्लाह, हाँ हाँ अभी ये देखो 100 होना, 1 2 3 4 ऐसा, ये देखो आवाज़ आ रही है, देखो प्रिंट हो रहा, कर रहा आवाज़ है ऐसा सिस्टम। ठीक है देखो गाइस आ गया कार्ड, निकाल लो अभी, बन गया नया कार्ड, चेंज हो गया कलर, देखो आ गया कलर, दूसरा मिल गया, पहले कौन सा था, ऐसा था देखो, पहले ऐसा था अभी ऐसा मिला, ये वीज़ा है मादा, हाँ वीज़ा मादा दो भी है, हाँ दो भी। चलो गाइस हो गया, अभी कैसा लग रहा है तुम्हारे ए टी एम कार्ड मिल के, पहले क्या प्रॉब्लम था, पैसा कट रहा था, चलो ये देखो गाइस बैंक के ब्रांच में काम कर रहे लोग, हम लोग जा रहे हैं अभी गाइस आबिद से, आबिद के साथ एटीएम जाके एटीएम से कार्ड लिए, उसके बाद जो सीधा लेके आके आबिद को छोड़ के रूम पे सीधा आके रूम पे सो गया समझो। मैं डेली दोपहर में सो जाता हूँ, 1 घंटा या 2 घंटे तक टाइम सो जाता हूँ, सो के उठने के बाद जो है मैडम आइस करके दे ले, क्या होकर के बोली, तो आया था मैं अभी आइस करके दे लेने सलमान रोड में ही, तो आप लोगों को बताता हूँ कहाँ पर हूँ मैं, क्योंकि ये पूरा रोड बंद है, मतलब कि कहाँ पे लेना ये मालूम नहीं पड़ रहा, उनको देखेंगे। देखो गाइस रात में सलमान रोड पूरा बंद है, ये साइड रोड कैसे जाता मालूम नहीं, इस साइड रोड भी नहीं जा रहा, समझ में नहीं आता, समझ के आ रहा है ये रोड, क्योंकि पूरा लेफ्ट राइट पूरा बंद है, छोटा रोड बस थोड़ा राइट में ओपन है, इस रोड में जाना पड़ेगा, सीधा गए तो है पेट्रोल पंप के बाद में है बता रहा, उधर देखेंगे गाइस है या नहीं। ठीक है ये देखो पूरा रोड लेफ्ट में बंद है, पूरा डेड एंड तक है ना बंद है,
देखते रहो आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है गाइस, अरब ब्लॉक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आगे थोड़ा। सऊदी लोग देखो गाइस गाड़ी कैसे लगा के जाते हैं, टायर जमीन पे ही नहीं है, समझो, देख लो जमीन पे नहीं है टायर, ऊपर उठ के है, ऐसा लगा के चले जाते हैं, कैसे भी गाड़ी लगा के चले आते लोग, ठीक है, सऊदी अरब में। चलो जाएंगे। ये ग्रोन करके जो है यहाँ पे आइस करके दे, कुछ जूस गीस मिलता, मगर बहुत लोग आते हैं, बहुत भीड़ रहती है इसमें, अंदर देखता हूँ, ठीक है, चलो जाके। गाइस आइस करके दे बोले तो कुछ अदरक की चाय है, समझो, इतनी ठंडी रहती, बर्फ भी रहता उसके अंदर, ऐसी चाय रहती है लोगों का, और फायदा इतनी कुछ भी ना, टेस्ट रहता कुछ भी नहीं। एक बार मैं पिया था, और एक कितना बोलो वो 40 रियाल, कौन देगा भाई, इंडिया का कुछ 1000 रुपया हो जाता एक जूस देना उसको, और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो अभी वापस से जाके इसको दे देंगे, आज खत्म कर देंगे, लगता 7:30 कोई कुछ तो भी काम लगाई तो देखेंगे, ऐसा आप लोगों को अपडेट करता हूँ, ठीक है, चलो देखते रहो। हाँ भाई मैं देखो पूरा पीछे गली से जा रहा हूँ अभी, क्योंकि वो रोड बंद है, गली से घुमा ले के जाना पड़ता है, क्योंकि अभी रोड तो है ही नहीं इधर, देखो। चलो गाइस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, मैडम के घर के पास आ गए, इसको लेके जाके उतार के देने के बाद आप लोगों को मैं मिलता हूँ, ठीक है। देखते रहो आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है अब खान साहब जा रहे क्या? अच्छा खान साहब जा रहे, खान साहब। देख लो गाइस क्या क्या है इनका, आइस करके देखे तो 3 चीज मिलता, एक डब्बे में जो है खाली आइस है, बर्फ है, ठीक है, इसको लेके देने जा रहा हूँ, खाली इसमें आइस ही रहता है, इसमें जो है खाली आइस ही है, ये जूस है, ये भी जूस, जो जो था उठा के डाल के लेके आ गया मैं, तुम जो भी करना कर ले करके। चलो अभी जाएंगे ऊपर, लिफ्ट ओपन करेंगे। गाइस आज का जो ड्यूटी है अभी लेके आके पहुँचाया, पहुँचाने के बाद जो है फिर बुक शॉप गया था, बुक शॉप में जाके इन लोगों को कुछ काम था करके देके आया, यानी बुक प्रिंट आउट करके देके आया, समझ। तो आज का ड्यूटी इधर ही ख़त्म करेंगे, व्लॉग भी इधर ही एंड करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी भी नया आ गया, अभी ख़त्म हो गया, फिर सवेरे ही चालू करना पड़ेगा, फिर मिलेंगे कल लेटेस्ट नए व्लॉग में इंशाल्लाह। गाइस आप लोग बताओ ये वीडियो देख के लाइव कब आना पड़ेगा, कौन से तारीख में, कौन से टाइम में आना पड़ेगा, बताओ कि इकट्ठा मैं लाइव जब भी आता हूँ तो मेरे को बहुत सारा लाइव देखेंगे तो ही मैं आता हूँ, नहीं तो आज तक मैं लाइव नहीं आया हूँ। यूट्यूब पे एक बार लाइव आके बात करेंगे, सोच रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। चलो और आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है अरब ब्लॉग्स चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, इंस्टा आईडी जो अरब ब्लॉग्स ऑफिशियल है उसको भी जरूर फॉलो करो, जो मेरे लिए सपोर्ट किया उसके लिए दिल से शुक्रिया। आज का वीडियो कैसा लगा वो बताओ, और जॉब का वीडियो भी रहेगा, और जिस किसी को भी मेरे को बात करना है आप लोग, डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई शुक्रिया, मां सलामत, टेक केयर, बाय।